हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है भरत, आप देख रहे हैं ड्रोन टेक। तो सबसे पहली न्यूज़ की बात करते हैं जो आ रही है टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक के अंदर जो है 1 बिलियन डाउनलोड्स अब तक हो चुके हैं। प्ले स्टोर के ऊपर वर्ल्ड वाइड ये डेटा आया है। अभी रिसेंटली 1 बिलियन से ज़्यादा जो है डाउनलोड हो चुके हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जबकि ये बैन भी हो चुका है, जैसे कि अमेरिका हो गया और इंडिया में भी इसके बैन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है, फेक वीडियोज़ इस पर बनाई जा रही है, जिसके चलते जो है ये बैन भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने लेवल पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं जो आईफोन की तरफ से। आईफोन का जो SE 2020 जो फ़ोन आने वाला था, जिसको iPhone 9 भी कह रहे थे लोग, वो जो फ़ोन है वो नेक्स्ट मंथ जो है लॉन्च हो सकता है, यानी मई के महीने में। वैसे अप्रैल के मंथ में लॉन्च होने का था, अप्रैल के एंड तक, लेकिन वो जो है डिले हो गया है अब वो लॉन्च, और मई के महीने में जो है ये फ़ोन अब लॉन्च हो सकता है अगर सब कुछ सही रहता है। लेकिन अभी तक तो सब कुछ सही होता हुआ दिख नहीं रहा है। अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ऐसे में अगर कंपनी लॉन्च करती है फ़ोन तो सेल्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं हमें बताइएगा ज़रूर। और साथ में ही iPhone 12 की अगर बात करें तो वो सितंबर के महीने में जो है लॉन्च हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। सितंबर के महीने में जो है अगर सब कुछ सही रहता है तो iPhone 12 जो है लॉन्च हो सकता है। अगली खबर की बात करते हैं जो पबजी मोबाइल की तरफ से आ रही है, जिसके अंदर एक नया मैप आने वाला है जो कि 16 अप्रैल को आएगा। 16 अप्रैल को जो है कंपनी ने तैयारी कर ली है, एक नया अपडेट आएगा, बहुत ही बड़ा अपडेट होगा जो कि, और इसका जो नाम रखा गया है वो है कोल्ड फ्रंट सर्वाइवल, जिसके अंदर एक विंटर वाला मैप रखा गया है। 4/16 इसके अंदर एक डेट निकल के आई है। तो ये जो अपडेट है इसके अंदर एक नया मैप आएगा और नया गेम प्ले होने वाला है। तो देखने वाली बात होगी क्या होगा ये, एक सर्वाइवल गेम होने वाला है इसी के अंदर, पबजी के अंदर ही। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये काफ़ी बड़ा अपडेट होगा, लगभग आधे घंटे का गेम प्ले रहेगा ये वाला, जैसे कि क्लासिक आप गेम खेलते हैं रैंगल वगैरह, उसी तरह का ये अपडेट इसके अंदर आने वाला है, यानी कि एक और नया मैप आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो स्विगी की तरफ से है। स्विगी ने जो है अपना ऑफिशियल ग्रोसरी फीचर जो है लॉन्च कर दिया है लगभग 125 सिटीज़ के अंदर। तो अगर आप ग्रोसरी मंगाना चाहते हैं, अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं अपने घर पर ही सामान मंगाना, तो आप इजीली मंगा पाएंगे स्विगी से अब। और यहाँ पर अब उन्होंने जो है ऑप्शन भी रखा है कि अगर आप चाहते हैं तो आपका जो सामान है नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी के साथ डिलीवर किया जाएगा, यानी आपका जो सामान है बिल्कुल गेट के पास रख दिया जाएगा और आप उसको ले सकते हैं, थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, जैसे कि ताकि वायरस का कोई भी खतरा ना हो। तो कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है इस तरह के डिलीवरी ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो अगर आपने अपने स्विगी के ऐप को अपडेट तो आप अपने स्विगी के ऐप को अपडेट कर लीजिए और इस ऑप्शन को जो है आप बेनिफिट ही ले पाएंगे, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी और साथ में ग्रॉसरी भी आप मंगा पाएंगे अपनी घर बैठे बैठे। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो रियलमी की तरफ से। रियलमी का एक 5G फ़ोन जो है स्पॉट हुआ है, इसका जो नाम हो सकता है वो Realme X3 हो सकता है, और इसकी जो प्राइस रेंज रहेगी वो लगभग 18 से 19 हज़ार के आसपास रहेगी। 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आ सकता है। तो इसी साल आएगा ये फ़ोन और रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन डिले होगा थोड़ा सा डेफिनेटली, और प्राइस में इंक्रीज़ मैंने पहले से ही करके बताया आपको, वरना 15-16 हज़ार होती, लेकिन 17 से 18 या 19 हज़ार तक भी इसकी प्राइस जा सकती है, क्योंकि डिले हो रहा है तो चीज़ें महंगी भी बिकेंगी। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर फ्रंट में ड्यूअल कैमरा मिलेगा, पीछे की तरफ 4 कैमरे का सेटअप मिलेगा, और फास्ट चार्जिंग जो है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ही फ़ोन आएगा। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो वन प्लस के जो फ़ोन्स हैं उसके भी काफ़ी सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं, और उनके जो कवर्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कवर्स जो हैं बन रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कंपनी जो है मल्टीपल मॉडल्स जो है इस बार लॉन्च कर सकती है, यानी 2 या 3 मॉडल्स लॉन्च कर सकती है, जिनमें बताया जा रहा है कि 1+8 और 1+8 Pro ये दो फ़ोन जो है एक साथ लॉन्च होने वाले हैं, जो कि मई के महीने में लॉन्च हो सकते हैं अगर सब कुछ सही रहता है। तो मई के महीने में आपको 1+ के दो नए मॉडल्स देखने को मिलेंगे, और 1+8 Lite करके भी एक फ़ोन जो है वो भी आ रहा है कि न्यूज़ में, कि वो भी एक फ़ोन है जो लॉन्च हो सकता है, जो कि 24 से 25 हज़ार रुपये के आसपास उसकी प्राइस रह सकती है। बाकी अगर बात करें 1+8 या 1+8 Pro की, तो इस बार उनके अंदर 120 हर्ट्ज़ की आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ में 12 GB की रैम, 256 GB की मेमोरी, स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये इनके मेजर फीचर्स हैं, बाकी डिटेल में जो फीचर्स हैं वो जब इनका इवेंट होगा
तब आपको और डिटेल में बताया जाएगा। आज की लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो लेनेवो जो कंपनी है, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा जानी नहीं जाती है, बहुत ही कम फोन्स और बहुत ही कम डिवाइसेस जो है लॉन्च करती है अपनी मोबाइल की फील्ड में, तो उन्होंने एक टीज़र लॉन्च किया है जिसके अंदर कंपनी जो है 90 वॉट का फास्ट चार्जर जो है लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि चाइना में लॉन्च हो सकता है बहुत ही जल्द। और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग की अगर बात करें तो ये जो फ़ोन होगा, फ़ोन को ये लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में जो है चार्ज कर देगा। नॉर्मली जो फ़ोन्स अभी आ रहे हैं वो 25 से 30 मिनट के लगभग लेते हैं, जो 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग आती है ओप्पो की तरफ से, लेकिन कंपनी जो है 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है लेके आने वाली है। और 4000 mAh की बैटरी अगर बात करें तो 20 से 25 मिनट के भी कम टाइम में जो है फुल चार्ज हो जाता है ये फ़ोन, तो काफ़ी कमाल की बात है ये। और इसके जो फ़ोन्स हैं, लगभग काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, लेकिन इस तरह का जो चार्जर है वो पहली बार कंपनी लेके आ रही है। अब ये और ब्रांड्स को भी बेचेगी या नहीं बेचेगी वो देखने वाली बात होगी, बाकी चार्जर तो कंपनी लॉन्च कर रही है। अब ये फ़ोन भी साथ में लॉन्च होगा कोई, या अभी ये इस बारे में पता नहीं चला है, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म है कि कोई गेमिंग फ़ोन जो है कंपनी लॉन्च कर सकती है इन फ्यूचर। तो आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा रियलमी की भी मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं मैंने कैमरे से रिलेटेड और परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो आप उनको भी जाकर के ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। साथ में ही मैंने एक नया गेमिंग चैनल शुरू किया है, तो आप उस पर भी जाकर के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।